शहर के होटल ग्रैंड में एक बैठक का आयोजन जिले प्रसिद्ध बिजनेसमैन प्रेम पंकज उर्फ ललन जी के द्वारा किया गया। इस दौरान बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम पंकज उर्फ ललन जी ने बताया, विगत साल की तरह इस साल भी भव्य डिजिटल कृष्ण लीला का आयोजन की तैयारी और व्यवस्था हेतु इस विषय का विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। इसके लिए आप सभी सनातनियों का सहयोग और कर्तव्य निष्ठा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष आयोजित डिजिटल कृष्ण लीला में आरा आवासियों का भरपूर सहयोग मिला, कार्यक्रम में एक कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डिजिटल कृष्ण लीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से आगामी आयोजित होने वाली डिजिटल कृष्ण लीला हेतु प्रचार प्रसार तेज करने का अनुरोध किया। कुछ दिनों में राम कृष्ण लीला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्या तैयारी है, क्या बैठक में चर्चाएं हैं? देखिए, एकाएक क्योंकि मेरा भी था कि रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और रामलीला के बाद कृष्ण लीला कराना था, लेकिन आज बीच में केवल बैठक रखे है। जो लीला कृष्ण लीला के कार्यक्रम होना, जो हम लोग का अंतिम रामलीला का अंतिम कार्यक्रम होता है राम राजगद्दी 17 तारीख को है और उसी दिन देवी जागरण होता है। उसके बाद 22 तारीख से यह तय हुआ, पूरे सभी यहाँ सनातनी भाई यहाँ जुटे थे और उन्होंने लोगों ने तय किया है कि 22 तारीख के शोभा यात्रा के बाद, 22 तारीख को शोभा यात्रा होगा और उसके बाद 23 तारीख से 5 दिनों का कृष्ण लीला का कार्यक्रम होगा। जगह अभी डिसाइड होना बाकी है क्योंकि एकाएक जो मंडली थी उनका कहना था कि नहीं, हमें अभी दीपावली के पहले आप कर ले, दशहरा के तुरंत बाद करें, क्योंकि दशहरा बाद लगन के दिन शुरू हो जाता है और इसी पे हमें यह तत्काल में बैठक रखना पड़ा। और आज यह डिसाइड हुआ है कि हम लोग एक बड़े जगह में करें, क्योंकि पिछला बार जो कार्यक्रम हुआ वह जगह छोटा पड़ गया था, तो हम 1 से 2 दिनों के अंदर और जगह को भी फाइनल कर लेंगे। कमेटी फाइनल हो चुकी है, डेट फाइनल हो चुका है, लेकिन जगह अभी फाइनल होना है। और चूंकि यह डिजिटल कृष्ण लीला हो रहा है, सब क्या मानसा है।